हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्म करना कि ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है। जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है ना सेशन में। और नई जो भी बच्चे नए हैं, डेली क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए जी, तो सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं बच्चा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि इसका क्या कारण है कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर होने का क्या कारण है। आपको पता है, मैंने ही आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप ओ जो है ये आपका यूनिवर्सल डोनर है, तो इसका आपका कारण क्या होता है, इसका आपका कारण क्या होता है। तो यूनिवर्सल डोनर होने का एक ही कारण है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता और दोनों एंटीबॉडी होती है, ए और बी दोनों ही तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है, बट कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है। एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक टेरामाइसिन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोस से प्राप्त की जाती है। H1N1 वायरस का प्राय किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1N1 वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है, बताइए जी। H1N1 वायरस से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चा आपकी? स्वाइन फ्लू। कौन सी बीमारी हो सकती है? स्वाइन फ्लू। चलिए, हेपेटाइटिस बी HIV या एड्स की तुलना में कई गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी खतरनाक है, और क्या हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर कैंसर उत्पन्न हो सकता है? क्या हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर कैंसर उत्पन्न हो सकता है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट बच्चा आपकी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रोग जो हर थोड़ी अवधि के बाद में एक विस्तृत क्षेत्र में फसलों का विनाश कर देता है, यानी कि एक तरह से मतलब फसलों को नष्ट करने का या नुकसान करने का कार्य है, इनमें से कौन सी प्लांट डिजीज, उस प्लांट डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप महामारी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत आसान है, बट हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश टर्म को आप लोग जरूर देख के जाएंगे कि इसको इंग्लिश में भी आपका क्या कहा जाता है। हिंदी में बहुत आसान है कि जब आपकी फसलें बड़े लेवल पर एक साथ खत्म होनी शुरू हो जाती हैं तो उसको पादप महामारी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? एक और ऑप्शन ऐड कर देती हूँ, नंद, ठीक है? तो इनमें से कौन सी बीमारी है बच्चा जो कि आपकी जीवाणु से होती है? एड्स वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से, जॉइंटिस आपकी वायरस हेपेटाइटिस ए से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से। तो इनमें से कोई सी भी बीमारी नहीं है जो आपकी वायरस से होती हो, ठीक है? पीलिया के, जॉइंटिस के कुछ लक्षण, आंखों के व्हाइट स्कैल्प पर पीलापन, नाखूनों में पीलापन, नोज की टिप पर आपका पीलापन आना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ तीन तरह से आपका हेपेटाइटिस का जो वायरस है ये तीन तरह का है, ए बी एंड सी, जिनमें से ए और बी की हमारे पास में वैक्सीन है बट सी की वैक्सीन नहीं है, यानी सी हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, अगर किसी को हो जाए तो पूरी तरह से लीवर डैमेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का यानी किडनी का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा किडनी का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा बच्चा आपका किडनी का कार्य नहीं है? सिक्रीशन ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि देखो एसिडिटी को मेंटेन करता है,
टॉक्सिक चीजों को कम करेगा, एसिडिटी मेंटेन हो जाएगी, यूरिन अलग करने का कार्य बिल्कुल करता है, ब्लड प्रेशर भी मेजर करता है, टॉक्सिक चीजें कम होती हैं तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। बट हाँ, एंटीबायोटिक बनाने में किडनी का कोई भी रोल आपका नहीं है। पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के अंग हैं, पायरिया से प्रभावित होने वाले मानव शरीर के अंग इनमें से कौन से हैं? थैंक यू खुशी। तो पायरिया हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? टीथ और गम्स को, ठीक है, मसूड़े और दांतों को ये क्या करता है बच्चा आपका, अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि विकार निम्नलिखित में से कौन सा रोग या डिसऑर्डर हो सकता है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से हो सकती है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से हो सकती है? तो क्रेटिनिज्म बोनापन बिल्कुल होता है, यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो बोनापन। बिग्जोडीमा फीमेल्स में होती है, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं होती, हार्मोन ज्यादा बनेगा तो ग्रेस डिजीज हो जाएगी, आंखों की पुतलियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन ही आपके सही हैं, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करती है जो रोग जनकों से लड़ने में WBC को प्रशिक्षित करते हैं। किडनी शरीर के अपशिष्ट उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा निकाल देती है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? चलिए बताइए, आराम से रीड कीजिए और बताइए भाई। बिल्कुल, हमारे शरीर में जो थायमस ग्लैंड है ये लिम्फोसाइट्स बनाने में, मैच्योर करने में, दोनों में ही आपकी मदद करती है, जो WBC को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ किडनी हमारे शरीर से बहुत सारी टॉक्सिक चीजों को छानकर अलग कर देती है, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सी आपकी एक STD डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी आपकी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बताइए? तो कौन सी बच्चा आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बिल्कुल नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज है, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी है, गोनेरिया आपकी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से शरीर के निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर HIV का हमला होता है बताइए जी? बताइए जी। तो HIV के कारण कौन सी बीमारी होती है? एड्स होती है, ठीक है। अब जो HIV का वायरस है ये क्या करता है, बेसिकली हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम पर अफेक्ट करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है, यानी इनमें से विटामिन सी कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइए जी। तो क्या बच्चा आपका विटामिन सी इनमें से सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका ऑरेंज यानी संतरे में पाया जाता है। किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? इनमें से किस हार्मोन को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन कह सकते हैं?
तो किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनेलाइन को। किसको बच्चा? एड्रिनेलाइन को जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। और जो दांतों के ऊपर वाला जो आपका कवर होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे मुंह की एसिडिटी यानी 5.5 से यदि पीएच कम होगा तो दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, और जो दांत के ऊपर वाली कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। यानी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? तो डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। वेरियोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? वेरियोला वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? वेरियोला वायरस के कारण इनमें से कौन सी बीमारी आपकी हो सकती है? तो क्या होता है बच्चा? स्मॉल पॉक्स। वेरियोला वायरस से कौन सी बीमारी होती है आपकी? छोटी माता या स्मॉल पॉक्स आपकी वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है। नोवल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? कोरोना का JN1 वेरिएंट फिर से फैलना शुरू हो गया है, सो प्लीज घर से बाहर यदि आप निकलते हैं थोड़ी प्रिकॉशन लें, घर पर आकर सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क लगाकर जाएं, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नोवल कोरोना वायरस में बुखार आता है मैम? बिल्कुल आता है। खांसी होती है? बिल्कुल होती है। सांस लेने में दिक्कत? यस। तो यानी आपकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पायरिया, मलेरिया, काला आजार, निद्रा रोग, बताइए इनमें से किस किस के कारण होने वाली बीमारी है? पैथोजन पूछे गए हैं आपसे, इधर आपकी बीमारी लिखी है उधर आपके कारक लिखे हैं। तो पायरिया यानी दांत, दांत और मसूड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं, दांतों से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। आंट अमीबा गिंगविटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका? मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। ओके। निद्रा रोग आपके ट्रेपनोसोमा नाम के पैथोजन से होता है। और काला आजार के लिए एक ही ऑप्शन बचा, लेस्मानिया स्पीसीज के कारण आपका काला आजार नामक बीमारी होती है। रिकेट्स की कमी से जुड़ी बीमारी यानी रिकेट्स इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स इनमें से किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? चलिए बताइए, रिकेट्स इनमें से किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो रिकेट्स बच्चा किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है, यानी इनमें से कौन सी आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज है? इनमें से कौन आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज है बताइए? तो इनमें से कौन सी आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज है? तो कौन सी है बच्चा आपकी? बेसिकली स्कर्वी। कम्युनिकेबल है? नहीं। विटामिन सी की कमी से होता है? डायबिटीज नहीं है। अस्थमा कम्युनिकेबल है बट उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर मेजल्स, मेजल्स खसरा जो है ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये बहुत जल्दी कम्युनिकेट होती है एक से दूसरे इंसान को, क्योंकि वायरस से जितनी भी बीमारी होती है वो सारी की सारी अधिकतर आपकी कम्युनिकेबल होती है, तेजी से कम्युनिकेट होती है। मलेरिया इनमें से किसके कारण होता है बताइए? मलेरिया इनमें से किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो मलेरिया किसके कारण होता है बच्चा आपका? प्रोटोजोआ के कारण।
किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। एथलीट फूट इज कॉज्ड बाय, एथलीट फूट इज कॉज्ड बाय, एथलीट फूट इज कॉज्ड बाय, बताइए एथलीट फूट इनमें से किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो फंगस के कारण। किसके कारण? ये आपकी फंगस के कारण होने वाली बीमारी होती है। पैरों पर खाज शुरू हो जाती है, इस तरह से पर्टिकुलर पार्ट पर कुछ लोगों को पस भी पड़ जाता है खुजली, ईचिंग के कारण, दाने पड़कर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वंशानुगत बीमारी है? इनमें से कौन सी आपकी एक जेनेटिक डिजीज है? कौन सी आपकी एक वंशानुगत बीमारी है? तो इनमें से कौन सी आपकी एक वंशानुगत बीमारी है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपकी एक वंशानुगत बीमारी है। हीमोफीलिया तीन तरह का होता है, बट आपके सिलेबस में दो ही तरह का कवर होगा, हीमोफीलिया ए और बी। यदि आपके खून के अंदर फैक्टर 8 एबसेंट है तो आपको हीमोफीलिया ए होगा, और यदि फैक्टर 9 एबसेंट है तो आपको हीमोफीलिया बी होगा। जो क्वीन विक्टोरिया को था वो हीमोफीलिया बी था। वो क्या था बच्चा? आपका हीमोफीलिया बी था। मैच करना है रोग और कारक, रोग और कारक आपको मैच करने हैं, बताइए। एड्स, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और काला आजार के कारण आपके, अच्छा कारक इन द सेंस कि ये टेस्ट है, इन बीमारियों का पता हम किस टेस्ट से लगा सकते हैं? एड्स का, टाइफाइड का, अलग अलग नाम होते हैं ना सबके, तो एड्स का पता लगाया जाता है एलिजा टेस्ट से, टाइफाइड का विडाल से, ट्यूबरक्लोसिस का हम लोग आपका पता लगाते हैं बेसिकली वोसरमैन, जहां तक भाई मुझे ये आपका याद है। थर्ड का आपका बी होना चाहिए, ठीक है, बी ही है, यस बी ही है। और फोर्थ का डी, कालाजार K39 टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं। बिल्कुल ए जिनका है उनका आंसर सही है। रिंग वॉर्म इनमें से किसके कारण होता है? दाद, देखा ना, एक पर्टिकुलर पार्ट पर खुजली होती है, फिर वहां पर ऐसे गोल गोल दाने दाने बन जाते हैं, गोल घेरा सा बन जाता है। तो रिंग वॉर्म यानी दाद जो है ये किसके कारण होने वाली बीमारी है? ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है। इससे बच्चा ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है। विटामिन B2 की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है, बताइए। विटामिन B2 की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? आपका एरिबोफ्लेविनेसिस, ठीक है। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, रोग होता है एरिबोफ्लेविनेसिस। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, B की कमी से बेरीबेरी, और B3 की कमी से होता है आपका पेलेग्रा और डर्मेटिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खसरा निम्न में से किस वायरस के कारण होता है? खसरा निम्न में से किस वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? बताइए जी, खसरा इनमें से किस वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? तो खसरा किस वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? रूबेला वायरस। किसके कारण? रूबेला वायरस। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ब्लैंक के कारण होती है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी इनमें से किसके कारण होती है, बताइए। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होने वाली बीमारी है? हाँ वही जिसमें इंसान को बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण आपकी होने वाले बीमारी है? ये आपकी लेस्मानिया डोनोवानी, एक सेकेंड, नहीं ये ट्रेपनोसोमा नाम का बेसिकली आपका पैथोजन होता है, रोगजनक होता है, जिसके कारण आपको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। डिप्लोपिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? डिप्लोपिया हमारे शरीर में किस अंग को अफेक्ट करता है? डिप्लोपिया रोग हमारे शरीर में इनमें से किस ऑर्गन को अफेक्ट करने का कार्य करता है, बताइए। डिप्लोपिया हमारे शरीर में
किस ऑर्गन को अफेक्ट करने का कार्य करता है? तो किस ऑर्गन को बचाइए आपका, आंखों को, किसको, आंखों को अफेक्ट, आंखों में स्ट्विंकनेस मतलब भेंगापन आना शुरू हो जाता है एक तरह से। आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से और नियासिन जो विटामिन आपका B3 का ही नेम है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आयोडीन तो तुम सबको रटा हुआ होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा, ठीक है जी। उसके बाद में बच्चा आपका नियासिन की कमी से पैलेग्रा, आयरन B12 की कमी से आपका क्या होगा, साइटिक एनीमिया, जहां तक मुझे लग रहा है भैया आपका, है ना, थर्ड का डी और फोर्थ का बी, ठीक है, परनीसियस एनीमिया और आयरन की इस कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, फोर्थ का, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट काला आजार फैलाता है? इनमें से कौन सा कीट काला आजार फैलाता है बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जो काला आजार फैलाने का कार्य करता है? सैंड फ्लाई। कौन सा है? सैंड फ्लाई। चलिए, काला आजार, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा और रिंगवॉर्म किस किस के कारण होने वाली बीमारियां हैं? रिंगवॉर्म किससे होता है? चारों क्वेश्चन कराए हैं, बस चारों का कॉम्बिनेशन है इस बार, बस चारों का कॉम्बिनेशन है। तो देखो, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीवी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होती है, रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है, तो काला आजार आपका एक ही ऑप्शन बचा, प्रोटोजोआ। मैथ्स देख लेना कौन सा है आपका, सी ऑप्शन है। चलिए, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? प्रोटीन की कमी के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है बताइए। प्रोटीन की कमी के कारण हमें इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कावा शियोरकर और मैरास्मस, कावा शियोरकर और मैरास्मस दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों का पेट फूला हुआ होता है, हाथ पैर एकदम पतले पतले होते हैं, लिखा होता है कि ये बच्चे कुपोषण का शिकार है, इनकी मदद कीजिए, तो वो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। डेंगू किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड, बताइए। तो डेंगू किससे बचा आपकी, वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये वायरस किसके अंदर पाया जाता है आपका, फीमेल एडिस एजिप्टी के अंदर। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग इनमें से किसके कारण होने वाली बीमारी है? इन्फ्लुएंजा रोग इनमें से किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो इन्फ्लुएंजा किससे बचा आपकी, वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो चलिए, वो बच्चे जो बैच में एनरोलमेंट चाहते हैं, क्योंकि भैया तुम्हारे एग्जाम में भी समय है, अड्डा 247 वेबसाइट आप लोग विजिट करेंगे, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आप लोग ये होम पेज खुलेगा, ऐसे क्लिक करोगे, SSC पर जाओगे, BSSC इंटर लेवल सेलेक्ट करोगे, लक्ष्य 7.0 बैच है जो आपका कल से शुरू हो जाएगा, ₹1000 का ये आपको दिख रहा है, बट ये आप लोग Y446 कूपन कोड लगाओगे तो आपको ₹840 तक का मिल जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो कल से इसमें आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में बच्चे के आपके पढ़ाए जाएंगे, ओके। 12 महीने की वैलिडिटी है, और टीम आप लोग देख लेना अच्छे से, किताबें या टेस्ट सीरीज अलग से ऑर्डर करनी हो तो Y446S कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो बच्चा आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई, फिर हम लोग क्लास को ऐड कर देते हैं।
होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।